नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सनराइज IIT एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे किस प्रकार Google वेब ऐप स्क्रिप्ट और Google शीट के द्वारा शॉपिंग वेबसाइट किस प्रकार बनाई जाती है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे नाम एंटर किया, मोबाइल नंबर जो XYZ, एड्रेस, इसके बाद मैंने सेलेक्ट किया सिटी, देन डिस्ट्रिक्ट, देन स्टेट, देन कंट्री और पिन कोड नंबर। इसके बाद मुझे जैसे आइटम परचेज करने हैं, जैसे लैपटॉप परचेज करना है तो लैपटॉप की यहाँ पे 40,000 का आ रहा है। इसके बाद मुझे एक लैपटॉप, जैसे दो लैपटॉप परचेज करने हैं तो 2 के 80,000 हो गए। देन यहाँ पे ऐड किया, मुझे मोबाइल भी परचेज करना है तो मोबाइल 10,000 का आ रहा है और 5 मोबाइल मुझे परचेज करने हैं तो 5 एंट्री कर दिए। इसके बाद देन सबमिट पे क्लिक करें तो ये भी सक्सेस हो चुका है और मेरा ऑर्डर आ चुका है गूगल शीट के अंदर। जैसे गूगल शीट में ये रहा, यहाँ पर मेरा ऑर्डर आ चुका है, ये रहा ऑर्डर Item 1 और Item 3 और उसकी क्वान्टिटी 2 और 5 है। इस प्रकार की एक शॉपिंग साइट बना सकते हैं। तो इस प्रकार की शॉपिंग साइट किस प्रकार बनाते हैं इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यू टैब ओपन करें। न्यू टैब में टाइप करें सनराइज IIT एजुकेशन blogspot.com। ये URL आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। देन एंटर करें। एंटर करने के बाद यहाँ पर सर्च बार का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर टाइप करें शॉपिंग वेबसाइट, देन सर्च पे क्लिक करें तो एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट बाय वेब स्क्रिप्ट का एक पेज आएगा। यहाँ पर रीड मोर पे क्लिक करें। इसके बाद प्रैक्टिकल फॉर क्लिक, आपको अगर प्रैक्टिकल करना है या फिर ऑर्डर परचेज करना है तो हमारे वेब ऐप स्क्रिप्ट बना रखा है तो यहाँ से आप इसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं। इसके बाद गूगल शीट कॉपी, तो आपको ये गूगल शीट कॉपी करनी है। देन मेक ए कॉपी पे क्लिक करें। मेक ए कॉपी पे क्लिक करने के बाद आपको जो हमारी गूगल शीट है वो आपके गूगल ड्राइव में सेव हो जाएगी। इसके बाद जो स्टेप 2 है, क्लिक टू एक्सटेंशन एंड ऐप स्क्रिप्ट पे क्लिक करें, देन एक्सटेंशन पे क्लिक करें, देन ऐप स्क्रिप्ट पे क्लिक करें। इसके बाद डिप्लॉय पे क्लिक करें, देन न्यू डिप्लॉयमेंट पे क्लिक करें, यहाँ से एनीवन सेलेक्ट करें, देन डिप्लॉय पे क्लिक करें। देन ऑथराइज एक्सेस पर क्लिक करें, यहाँ से आपकी ईमेल आईडी सेलेक्ट करें, देन एडवांस पर क्लिक करें, देन गो टू शॉपिंग वेबसाइट और अलाउ पर क्लिक करें। देन ये URL आ चुका है, इस पर क्लिक करें। अब जैसे मैंने यहाँ लैपटॉप पर परचेज किया, देन सबमिट पे क्लिक किया तो सक्सेसफुल आ चुका है और यहाँ पर ये ऑर्डर आ चुका है। यहाँ पर जैसे लैपटॉप का ये आ चुका है। अब जैसे मैं यहाँ पर नाम टाइप करूँगा, जो भी नाम कस्टमर जैसे यहाँ नाम टाइप करेगा, ईमेल आईडी जो भी है, एड्रेस, और जैसे यहाँ से आइटम ऐड किया, लैपटॉप क्वांटिटी 7 और ऐड किया, यहाँ से मोबाइल परचेज किया
मोबाइल दो चार चाहिए। तो यार टोटल प्राइस आज की है 3,20,000। देन सबमिट पे क्लिक किया तो ये आपका ऑर्डर यहाँ पर सबमिट हो चुका है और यह गूगल शीट में आपका ऑर्डर आ चुका है। और आप चाहते हैं यहाँ पर कि यहाँ मेरे एक डिलीवरी एड्रेस में एक रिमार्क ऑप्शन भी ऐड हो जाए, तो इसके लिए आपको गूगल गूगल शीट पर क्लिक करें, वो तो डिलीवरी एड्रेस है इस पर क्लिक करें और यहाँ पर टाइप करें रिमार्क रिमार्क्स, और उसको जैसे मैंने कॉपी किया पेस्ट, और यहाँ पर जैसे यहाँ पे आप कुछ भी इसको आइकन ले सकते हैं, और रिमार्क में हमें टेक्स्ट लेना है, टेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये टेक्स्ट आ चुका है। दें इसको रिप्रेस किया तो यहाँ पर रिमार्क का ऑप्शन आ चुका है यहाँ पे, और हमें एक कॉलम इंसर्ट करना है, यहाँ पर भी रिमार्क टाइप करना है रिमार्क। अब जैसे मैं यहाँ पर ये मैंने टाइप किया क्वांटिटी, देन सबमिट पे क्लिक किया तो यहाँ पर ये रिमार्क आ गया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ चुका है। और जैसे आप इसका नाम चेंज करना चाहते हैं, जैसे शॉपिंग साइट शॉपिंग सेंटर है, तो अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ऐप डेटा, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे साइट शॉपिंग सेंटर है तो यहाँ एक्स वाई जेड शॉपिंग सेंटर हो गया। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर एक्स वाई जेड शॉपिंग सेंटर का नाम आ जाएगा, यहाँ पे ये एक्स वाई जेड शॉपिंग सेंटर का नाम आ चुका है। इस प्रकार डिलीवरी एड्रेस, यहाँ पर डिलीवरी जो एड्रेस है यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। और जैसे आप चाहते हैं कि आइटम और इसमें बढ़ाने हैं, तो आइटम वाली शीट पर क्लिक करें, और जैसे मैं यहाँ पर आइटम और ऐड करना, मुझे मान लो जैसे कूलर ऐड करना है COOLER, और इसकी प्राइस जैसे 5,000 है। अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये यहाँ पर जैसे अभी प्रेजेंट में यहाँ पर कूलर नहीं आ रहा है, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर कूलर आ चुका है। तो इस प्रकार है आप वेब ऐप स्क्रिप्ट की हेल्प से ऑनलाइन शॉपिंग सेंटर की वेबसाइट बना सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, किसी प्रकार की समस्या तो कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आपको इसी प्रकार के टेक्निकल वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।